हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनआईटी दुर्गापुर के बारे में बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम कैंपस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स, एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी, फी वेयर्स, फी स्ट्रक्चर, टूल्स फॉर चेंज ब्रांच, फैसिलिटीज एंड स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल एंड मेस, और सबसे लास्ट में हम लास्ट ईयर 2020 में एनआईटी दुर्गापुर की जो जेईई मेंस की कट ऑफ थी उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार, एनआईटी दुर्गापुर या एनआईटी डीजीपी की बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है और 1960 में बना था। अराउंड 61 इयर्स इसको हो चुके हैं, तो यार काफी पुराना कॉलेज है। लोकेशन की बात करें तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है। कैंपस एरिया के बारे में देखें तो 187 एकड़स में इसका कैंपस एरिया बना हुआ है, जो कि यार मॉडरेट है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन मॉडरेट ही है। तो अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर से इसकी डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से इसकी डिस्टेंस अराउंड 175 किलोमीटर है। और फाइनली अगर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से इसकी डिस्टेंस देखें तो 8.5 किलोमीटर है। तो अब अगर रैंकिंग की बात करें तो लास्ट की 2020 में इसकी इंजीनियरिंग कैटेगरी में एनआईआरएफ जो रैंक थी वो 47 थी, और 2019 में इसकी जो एनआईआरएफ रैंक थी वो 46 थी। तो यार अगर एनआईटी दुर्गापुर में प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में देखें तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार यहाँ तो कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों ब्रांच अवेलेबल हैं, और आईटी में अगर देखें तो 88.89% प्लेसमेंट्स हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस से ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस में 83.33% प्लेसमेंट्स हुआ है। उसके बाद बात करें तो केमिकल ब्रांच का है जो 82% है। तो यार केमिकल ब्रांच यहाँ काफी अच्छी है। अगर हम एनआईटी जयपुर में भी देखें तो वहाँ भी केमिकल ब्रांच जो है वो काफी अच्छी है। अगर लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 35 से 40 लाख रुपए गया था केमिकल ब्रांच से, जो कि काफी अच्छा है। अब अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 33 लाख पर एनम गया था, और अगर ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.09 लाख पर एनम है। अब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड के बारे में देखें तो 634 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया था, और 456 स्टूडेंट्स थे जिनका प्लेसमेंट हो गया था। इसके अलावा कंपनीज पार्टिसिपेटेड के बारे में देखें, यानी कि जो नंबर ऑफ कंपनीज जो एनआईटी दुर्गापुर विजिट की है लास्ट ईयर 2020 में वो 116 थी। तो अब एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो बीटेक के लिए आपको 10+2 में मिनिमम 75% होने चाहिए, या तो फिर आपको आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में टॉप 20% में होना होगा। एग्जाम्स की बात करें तो जेईई मेन का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा वो जूसा या सीसैप के थ्रू होगा। एमबीए के बारे में देखें तो बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60%, और एग्जाम देखें तो कैट या मैट। एमटेक के बारे में बात करें तो बीटेक में आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम की बात करें तो गेट और सीसीएमटी के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। एमएससी की बात करें तो बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और एग्जाम की बात करें तो आईआईटी जैम और सीसीएमएन के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। एमसीए के बारे में देखें तो बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और एग्जाम देखें तो निमसेट। तैयार का एससीएसटी पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के बारे में देखें तो उनकी ट्यूशन फीस 100% माफ हो जाती है। इसके बाद जनरल एंड ओबीसी की बात करें जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, उनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। इसके बाद जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख और 5 लाख के बीच होती है, उनकी 2/3 जो ट्यूशन फीस होती है वो माफ हो जाती है। तो अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो आपके इंस्टीट्यूट की फीस है वो 81,300 है, और अगर हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो आपकी 12,300 रुपए है। इसमें आपकी मिस चार्ज इंक्लूड नहीं है। अगर मिस की फीस के बारे में बात करें तो जो आपकी पर मंथ फीस होगी वो 3,000 से लेकर 3,500 के बीच में वरी करेगी। अब अगर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये जोसा की साइट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जा करके अपनी ब्रांच जो है सीट्स चेक कर सकते हैं। रूल्स फॉर चेंज ब्रांच के बारे में बात करें तो अगर आप एडमिशन लेने के बाद अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपकी जो ब्रांच है वो फर्स्ट एक एंड में ही चेंज हो पाएगी, और फर्स्ट एक एंड में जो आपका सीजीपीए है ओवरऑल फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का दोनों को मिला करके तो वो मिनिमम 8.5 सीजीपीए होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो देन यू कैन अप्लाई फॉर ब्रांच चेंज, रिस्ट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी एंड द कंपटीशन। स्टूडेंट्स विद हाइयर सीजीपीए विल बी फेवर्ड फर्स्ट, सो द हाइयर इज योर सीजीपीए द हाइयर इज योर चांस ऑफ गेटिंग योर डिजायर्ड ब्रांच। तो यार अगर फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, कैफेटेरिया, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज, बैंक फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस,
ये सारे आपको मिल जाएंगे जो आपको टॉप के नाइटीज में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सारे गेम्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें तो NIT दुर्गापुर में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, दो ही चार मिलेंगी। जिनमें से अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है उनको 35,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, और जिनकी फैमिली 90,000 से कम है उनको 17,500 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है। तो यार अगर हॉस्टल्स एंड मेस के बारे में बात करें तो बॉयज हॉस्टल में अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको 4 स्टूडेंट्स पर रूम आपको रूम शेयर करना पड़ता है, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में देखें तो 3 स्टूडेंट्स पर रूम, फाइनल ईयर में देखें तो सिंगल रूम आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मेस के बारे में बात करें तो नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है यहाँ खाना है, और अगर वेजिटेरियन देखें तो एवरेज खाना आपको मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर में देखें तो प्यूरिफायर आपको मिल जाता है। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यार यहाँ दो ही ग्राउंड है, एक स्पोर्ट्स के लिए है और दूसरा फेस्ट के लिए। कैंटीन के बारे में देखें तो 4-5 कैंटीन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यार अगर लास्ट ईयर 2020 में जेईई मेंस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, और ये जो लास्ट राउंड था आपका जो 6th राउंड था उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, जिससे आपको यार ये पता चल जाएगा कि मैक्स टू मैक्स जो है क्लोजिंग रैंक वो कहाँ तक जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो जो होम स्टेट था उसके लिए आपकी जो ओपनिंग रैंक थी वो 6,286 थी, और क्लोजिंग रैंक देखें तो 16,406 थी। अब अगर अदर स्टेट के लिए देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 5,855 से लेके 8,215 तक गई थी। अब अगर ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो जो लास्ट लास्ट राउंड था यानी कि 6th राउंड था उसकी जो ओपनिंग है और क्लोजिंग रैंक थी वो 5,345 से लेके 14,059 तक गई थी। अब अगर अदर स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 1605 से लेके 2,691 तक गई थी, ठीक है। अब अगर एससी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में देखें तो 721 से लेके 1987 तक गई थी, और अगर अदर स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 581 से लेके 1499 तक गई थी। अब अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 470 से लेके 2423 तक गई थी। अब अगर अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 436 से लेके 471 तक गई थी। तो यार इसके अलावा आपको जेईई मेंस की कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको क्वेरी हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।